हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर के देख ले, प्लेलिस्ट में बना हुआ है इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, तो आप वीडियो में बने रहिए। और चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। और देखिए यहाँ पर क्या होता है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, एबी का मान 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकाले। यानी निम्नलिखित कहने का मतलब साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। इसी प्रकार से इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। यानी दोनों इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बनाना है, एबीसी एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। इस सिंबल का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी और क्या लिख देंगे सी। कहता है कि एंगल बी का जो मान होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए यहाँ बी बनाए। और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, तो इसका मान हो गया 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या हो गया, बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, तो ए सी का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए बी का मान दे दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी से या इन ट्रायंगल एबीसी में अगर एबीसी से निकालते हैं वैल्यू, तो ये हो गया इसका कर्ण हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के अच्छा से वीडियो देख ले, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर जाएगा कि ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है यानी लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। चलिए यहाँ पर भी समझाते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने जो भी साइड होगा उसको हाइपोटेनस यानी कर्ण कहा जाता है। तो इसका मान निकालना है, तो पाइथागोरस पढ़ने से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ए बी का वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तो 24 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लस में बी सी का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ए सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 24 यानी 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ लगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों को अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 9, 6, 15 यानी 5 बच गया, 1 बच गया हासिल, 7, 4, 11, 1, 12 के 2 हासिल, 5, 4, 6 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ए सी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, यानी रूट अंडर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों, ए सी इक्वल टू 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी का जो वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ भी मान निकालना पड़े तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, पहले निकालना है, एक नंबर सवाल में दिया हुआ है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फॉर्मूला का लिस्ट वाला आप वीडियो जरूर देखे। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो आप कहिएगा लंब और कर्ण क्या हुआ, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन ए है तो एंगल ए है, तो ए के सामने जो भी होगा साइड, तो ए के सामने साइड क्या है, बीसी है, यानी इसका जो है बीसी लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी भुजा रहती है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है,
वो हाइपोटेनस होता है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी है, यानी एसी लिख देंगे। यानी देखिए एक चीज को हम कितना तरीका से लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और बीसी बाई एसी। तो बीसी का वैल्यू क्या है, तो बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और एसी, तो एसी का वैल्यू क्या निकालना है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/25 जो है इसका आंसर आ गया। इसमें ही निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का भी मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी इसका इंग्लिश में होता है बी बाई एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो अब देखिए एंगल ए है और ये लंब हो गया बीसी, और एसी कर्ण हो गया, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसका आधार हो जाएगा ए बी, तो आधार ऊपर में लिख देंगे ए बी, और बटा में हाइपोटेनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसी, तो एसी लिखेंगे, यानी ए बी, तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर, और एसी का वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी 24/25, ये सवाल का आंसर आ गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है, तो आप देखिए कि साइन सी और कॉस सी किस प्रकार से निकालेंगे, तो साइन सी लिखेंगे और साइन सी इक्वल टू, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए लिए थे, तो इसके सामने वाली जो साइड था वो परपेंडिकुलर हो गया, अब एंगल क्या लेना है, सी लेना है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और इसके वटा में कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण फिक्स है, क्या है, ए सी, यानी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर कैंसिल जाएगा, यानी 24/25। एक और वैल्यू बच गया, कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी हम यहाँ पर निकाल देते हैं, कॉस सी, तो बताइए यहाँ पर कॉस सी लेंगे, तो एंगल इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी लंब हो गया, तो जो बच गया ये क्या हो गया, आधार यानी बेस हो गया, तो बेस यानी लिख देंगे आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर है, तो बेस इसका क्या हो गया, बीसी, तो बीसी और कर्ण चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, यानी बीसी बाय एसी, तो यहाँ पर बीसी का वैल्यू क्या है, तो बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और एसी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर बाय क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट हुआ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो, यानी क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है कि चित्र 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान निकाले। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। बगल में इसका फिगर बनाया हुआ है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्यू आर का वैल्यू नहीं निकाल रहा, तो पहले क्यू आर का वैल्यू इसमें निकाल लेते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले लिख दीजिए पी क्यू, पी आर, पहले पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यानी इसको कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है, यानी इसका मतलब ये निकालना है। अब ध्यान से देखिए 13 सेंटीमीटर यानी 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर आएगा, यानी कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 144 है इधर आएगा तो -144 सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो 169 में से 144 माइनस कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर इधर कर देते हैं और इधर बच गया 25 सेंटीमीटर
स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, यानी रूट अंडर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी क्यू आर का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर, क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, यानी टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू मान निकालना है। तो टेन पी है तो ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर फार्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, तो आधार और बटा में क्या होता है, लंब, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए टेन पी है, तो टेन पी में पी है एंगल ये लेंगे तो इसके सामने होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर और इसकी बटा में बेस, तो ये हो गया क्या, कर्ण फिक्स हो गया, तो बच गया बेस, तो बेस हो जाएगा पी क्यू और माइनस कॉट आर, तो कॉट आर अगर एंगल ये लेते हैं तो इसके सामने ही क्या आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो क्यू आर लिखेंगे और इसके बटा में क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस यानी कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं यहाँ पर जाएगा, इसके बटा में जाएगा पी क्यू जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू आर ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसे वैल्यू पुट करके भी कैंसिल कर सकते हैं, इतना निकालने का जरूरत भी नहीं था, तो पुट कर दीजिए तो क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू निकला है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, माइनस में क्यू आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर देखिए प्लस में और ये माइनस में वैल्यू, यानी कट के इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।